नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एग्जाम मंत्रा के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और कल हमने साइंस के कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी जो एसएससी 10 प्लस 2 के अंदर आए हुए हैं। एन 10 प्लस 2 के जो एग्जाम होते हैं उनमें आते हैं, तो उन्हीं में से और क्वेश्चन हैं जिनके बारे में इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में और बाकी क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और बने रहिए और लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है कौन सा होता है? लैक्टोमीटर जो है दूध में, उस दूध में कितना पानी है और कितना फैट है, ये सब मापा जाता है। दूध की सघनता को मापा जाता है लैक्टोमीटर से। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। देखिए, अगर आप ड्राइवर हैं तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। अगर आप पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा पावर की आवश्यकता है, और पावर की आवश्यकता होगी तो एक के बराबर या उससे अधिक रखेंगे। यानी अगर आपकी गाड़ी पहाड़ी पर जा रही है तो आपको ज़्यादा पावर चाहिए गाड़ी को पुश कराने के लिए। तो इसके लिए आप जो है पहले या दूसरे गियर के अंदर जो है नॉर्मली दूसरे गियर का उपयोग करते हैं। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है श्रृंखला बंधन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जीवाणविक कोशिकाओं से नहीं होता सूत्र कणिका। दोस्तों, आपको बाहर बारिश की आवाज भी माइक के अंदर सुनाई दे रही होगी, तो बाहर काफी बारिश हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। स्व परागण का परिणाम क्या होगा? स्व परागण का परिणाम होगा अंत प्रजनन। यानी अगर अपने आप अगर किसी के अंदर परागण होता है तो उसका जो परिणाम होगा वो होगा अनंत प्रजनन, यानी अपने आप प्रजनन होना, वो भी अनंत। जल संवर्धन पौधे के कृषण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? मिट्टी का। वनस्पति जगत में गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? फंजाई। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि में हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, जिसके अंदर हमने विज्ञान के पढ़ा भी था इसको। ये जो है वो पीयूष ग्रंथि में हार्मोन के जो रिसाव है उसको जो है वो नियंत्रित करती है कि कितना हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि जो है वो स्रावित करेगी। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिका कहाँ नष्ट होती है? फलिहा, जिसे RBC का जो है वो कब्रिस्तान भी कहा जाता है फलिहा को। सही उत्तर के साथ सूची एक और सूची दो को जोड़िए। तो ये आप जो है वो जोड़ सकते हैं। विटामिन B1 जो है वो थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविक, विटामिन B6 पाइरिकोक्सिन और विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन। ठीक है, ओम के नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? चालक के बारे में। लेसर विकिरणों का किस प्रकार का पुंज है? संगत और एकवर्णी। सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होते हैं? माइनस के 40 डिग्री पर जो है वो सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट दोनों ही तापमान बराबर होते हैं। सावित्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? m-1 L3 T2। किसी भी विस्तृत प्रण में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है? AI। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रिन का। नींबू के रस में pH का अनुपात कितना होता है? नींबू के रस का pH मान 7 से कम। निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? फयुरान। ठीक है, विद्युत परिसंकरण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है? कैथोड में। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? अपघटक बैक्टीरिया। पर्णपाती वृक्ष है, अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराते हैं, और दूसरे होते हैं सदाबहार वन जो अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराते। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग
की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। लाल डेटा बुक के अंदर गुणसूत्र किससे बनते हैं? गुणसूत्र जो है वो डीएनए तथा प्रोटीन से बनते हैं। निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? एक एल्गी तथा एक फंगस। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? अपनी जड़ है। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? पृष्ठ तनाव से पी बी तथा वाई की भेदन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? ये होती है वाई बी ए। डेल्टोनिच प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है। इस उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? ये इस यानी जो वर्णांधता है इसमें रोगी हरा, नीला, लाल इन तीनों रंगों के अंदर जो है वो भेद नहीं कर पाता है। और ये रोग जो है वो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के अंदर ज़्यादा जो है वो प्रभावित होता है। यानी महिलाओं में तो फिर थोड़ा सा वो पहचान सकती है, लेकिन पुरुष जो है उसको बिल्कुल भी पहचान नहीं पाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्यवस्थित किया जाता है? उपयुक्त तरंग धैर्य का प्रकाश उस पर गिरे तब। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? इथाइल एल्कोहल। किस तत्व में तुल्यांकी भार तथा संयोगकर्ता का गुणनफल किसके बराबर होता है? परमाणु भार के बराबर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? रेफ्रिजरेटरों में। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। सेल्युलोसिक भित्ति किसके शैलों में पाई जाती है? पौधे के। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? एब्रियो। यीस्ट महत्वपूर्ण स्रोत हैं विटामिन बी के। सूची एक में दिए गए संक्रामक स्रोतों की सूची दो में दिए गए पद जनित रोगों से मिलान कीजिए। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से जो रोग होता है वो होता है तपेदिक। फंगस से जो रोग होता है वो है दाद। प्रोटोजोआ से जो रोग होता है वो कालांजर। और वायरस से होता है इन्फ्लुएंजा। पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है? देवांगली तरंगे होती है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रण केंद्रीय बल के कारण। गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन होता है। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को क्या कहते हैं? भ्रंजन। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? फ्लुओरीन। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी संयोजिक तथा उपसंयोजिक आबंध है। NH4Cl। ओजोन परत के अवक्षेप मुख्यतः किस कारण से हो रहे हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? डाइटेस। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। पौधे के किस भाग को कैंसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? वतिका वर्तिकाग्र। ग्रवे का रोग किस कारण होता है? थायराइड
के अति सक्रियता के कारण निम्न में से कौन किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? एस एंड नोट जंतु ग्रण जंतु प्रागण का आशय है, जंतु द्वारा प्रागण यानी जंतुओं के द्वारा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है वो बीजों को ले जाना। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? 8 महीने में। यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रोशनी के प्रति आंख ज़्यादा संवेदी होती है, लाल जो रंग है हमें अच्छे से दूर से ही दिखाई दे देता है। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंगे में दिखाई वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखाई दिखता है पर ध्वनि तरंगों में नहीं दिखता? ध्रुवण। दाहक सोडा कैसा होता है? प्रसवेदी। निम्न में कौन सा एक ठोस स्नेहक है? ग्रेफाइट। पानी में लटके हुए कोलाइडिन कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? स्कंदन। अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पति नष्ट हो जाती है? सल्यूरिक अम्ल। पानी से लोहा और मैगजीन किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? क्लोरीकरण के द्वारा। निम्न में से कौन सा सशक्त स्कंदन है? जिंक फ्लोराइड। सक्रियित आपक उपचार को क्या कहते हैं? जैविक उपचार। एक श्वेत ठोस पदार्थ एक गर्म करने पर एक गैस निकालता है जो चूने के पानी को दूध या बना देती है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने के पर श्वेत हो जाता है। तदनुसार वह ठोस एक क्या है? वह है जिंक कार्बोनेट। विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक से कहा जाता है गर्भपात। विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक को द्वारा गर्भपात कहा जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है अवटु ग्रंथि से। समुद्र की लहरों में भंडारित होती है 3 प्रकार की ऊर्जाओं का संयोजन। बिना एंजाइम वाला पाचक रस पित्त। बीज के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता जिसकी मौजूदगी है ताप। पत्थरों और चट्टानों में लगे पौधे होते हैं सेलोद्भिद यानी सेल यानी पत्थरों के अंदर लगे हुए सेलोद्भिद कहलाते हैं। सूर्य में ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय रिएक्टर शक्ति जनित में निम्न में से कौन सी सामग्री नियंत्रण के रूप में प्रयोग की जाती है? केडीएम। सड़क या रेल की पटरियों पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? अभिकेंद्रण बल। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन काम करता है? प्रणहरित क्लोरोफिल। यदि निरंजक जक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ दे तो क्या होगा? उसकी कैलोरी क्रम से समाप्त हो जाएगी। आर्सेनिक प्रदूषण से होता है एलर्जी। निम्न में से कौन सा प्रदूषण में योगदान नहीं करता? न्यूक्लिय शक्ति संयंत्रण। शुष्क वायु के 2 मुख्य घटक हैं निम्न में से कौन से? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा एक सरित पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? लोटिक का तालाब। दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमंत सेक का स्तर होता है 75 dB। वायु में एक नियत आयतन क्यूबिक मीटर में जल वाष्प गैसों की मात्रा को क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेस। स्पंज क्या है? एक जंतु। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त
अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। रेंगने और विस्फोट करने वाले कशेरुकीय जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? रेप्टिलिया। निम्नलिखित में से एकमात्र पादपक कोशिकाएं कौन सी है जो बिना न्यूक्लिक या न्यूक्लाइड है? वाहिनी कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? पेप्सिन। निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? अभ्रक। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम होता है? शुद्ध सिलिकॉन में। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? गति के जड़त्व के कारण। उच्च जबर की स्थिति में जबर को नीचे लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जबरोधी। स्वचालित वाहनों में रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिल एल्कोहल और H2O का। कास्क के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है? मेथिल एल्कोहल। भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? जैवमंडल। पर्यावरण प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोट को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी के उपचार से। अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि को क्या का स्तर क्या है? 0.0002 मिलीबार। जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? UFABSC के द्वारा। गंदे पानी के उपचार में अवसाद होज का क्या कार्य है? निलंबित ठोस पदार्थ। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं अभिवहन। भारतीय न्यूक्लियर वैज्ञानिकों का जनक किसे कहा जाता है? होमी जे भाभा को। वायुमंडल के ऊपरी स्तर में विद्यमान ओजोन अवशोषित करती है पराबैंगनी विकिरण। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्प घनत्व के कारण। ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। हीरे की खाने पाई जाती है मध्य प्रदेश में पन्ना में। शिवाल लाइकेन है सहजीवी। काष्ठ के आरोही लताएं वे पादप है जिन्हें कहते हैं कंठ लता। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 55%। जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करते हैं? तपेदिक यक्ष्मा भी कहते हैं इसे। मूत्र एकत्रित होता है मूत्राशय में। तो ये हो गए दोस्तों आपके 105 के करीब क्वेश्चन, 105 या 10 क्वेश्चन। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक और नई वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ और 100 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।